राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले की गंगापुर सिटी कोतवाली पुलिस ने पेट्रोल पंप पर डकैती की वारदात को होने से रोक दिया। पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 पिस्टल, 35 कारतूस, 1 कार और 1 बाइक सहित कई सामान बरामद किए गए हैं। सवाई माधोपुर SP सुनील कुमार बिश्नोई ने बताया कि गंगापुर सिटी कोतवाली पुलिस को बुधवार शाम को मुखबिर से सूचना मिली कि करौली बाईपास चौराहे के पास 7 से 8 बदमाश किसी बड़ी वारदात की फिराक में बैठे हैं। सूचना पर एक टीम का गठन किया गया, जिसने घेराबंदी करके 7 बदमाशों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। SP बिश्नोई ने बताया कि विष्णु गुज्जर, लवकुश मीणा, हाकिम सिंह, राहुल गुर्जर, मुकेश मीणा और शेर सिंह को गिरफ्तार किया है। SP ने बताया कि गिरफ्तार बदमाशों में से कई ने सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो अपलोड कर रखे हैं। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वो सभी कई दिनों से पेट्रोल पंप पर लूट और कुख्यात बदमाश कृष्णा गुर्जर की हत्या करने की फिराक में थे। उन्होंने पेशी के दौरान कृष्णा की हत्या की योजना बनाई थी। गिरफ्तार बदमाश विष्णु सिंह और कृष्णा गुर्जर के बीच पहले से रंजिश चल रही है। कृष्णा ने विष्णु के चाचा के साथ गंभीर मारपीट की थी। बदमाश कृष्णा फिलहाल जेल में बंद है।